हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के सेशन को। और जैसा कि आपको पता है, सेशन कंटिन्यू चल रहा है और आज के सेशन में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू चल रहा था उसके आगे के प्रॉब्लम्स के बारे में। जेएम ट्यूट हमेशा आपको उचित शिक्षा देता रहा है, यानी कि चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको उचित शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए, ताकि आप अपने आप की प्रतिभा को निखार सकें। और चैनल को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि जो लोग नीडी हैं, जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से है या फिर किसी अन्य कारण की वजह से, आर्थिक समस्याओं की वजह से जूझ रहे हैं और अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उन तक ये सेशन मुफ्त में पहुँच सके। जेएम ट्यूट्स का इतना ही रिक्वेस्ट है, सारी क्लासेस फ्री हैं, आप लोग बस चैनल को शेयर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम नंबर 11 ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर के साथ। देखिए क्या है इसमें, LHS दिया हुआ है और RHS के इक्वल्स प्रूफ करना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके जो रिसेंट जो फॉर्मूलेस थे उससे आपके बन जा रहे थे, और लास्ट फॉर्मूला क्लास लेकर मैंने पूरे फॉर्मूले सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। स्पेशली 11th क्लास NCERT में जितने फॉर्मूले जरूरी हैं सारी चीज़ों को, और मैंने आपको डिराइव करना सिखाया है कि फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम को उन्हीं फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ LHS लिखकर इसे एक बार कंटिन्यू लिख दीजिएगा, जो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसको एक बार फिर से लिख दीजिएगा। तो ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में है, और हम जानते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर कहिएगा माइनस टू साइन c प्लस d अपॉन टू इंटू साइन c माइनस d अपॉन टू। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू साइन c प्लस डी अपॉन टू माइनस साइन डी माइनस सी अपॉन टू। आप चाहे तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले के थ्रू देखिए, ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में आ रहा है। अगर इसको पूरे फंक्शन को c और इस पूरे फंक्शन को यानी कि कॉफिशियंट को अगर c मान लेते हैं तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, माइनस टू साइन, अब देखिए c प्लस डी अपॉन टू मतलब 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन टू लिखेंगे, ठीक है, और इनटू में इसी फॉर्मूले के आधार पर पुट करेंगे, ठीक है। यहां देखिए इसी फॉर्मूला को जरा मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर इनटू साइन सी माइनस डी यानी कि 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस लगाए हैं तो ये माइनस बन जाएगा और माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाता है एक्स, ठीक है, बाय टू हो जाएगा। बस बस प्रॉब्लम आसान हो गया, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, देखिए माइनस टू, अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, यहां प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो टू इंटू 3π/4 बचेगा और नीचे बाय में टू है तो इसको काटिएगा तो टू से कट जाएगा और ये टू इसके साथ क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। और साइन यहां देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 2x/2 यानी कि x हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टू इंटू साइन 3π/4 ये इससे गुना होकर 4 हो जाएगा इंटू साइन x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए माइनस टू इंटू, अब साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं, है ना, पाई माइनस पाई बाई फोर। आप इसका एलसीएम लेके देखिएगा तो 3π/4 ही आएगा और साइन एक्स बच जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, अब देखिए माइनस टू हो गया, अब देखिए पाई माइनस पाई बाई फोर तो पाई माइनस की बात है तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, इसलिए साइन फंक्शन ही रहेगा, और पाई माइनस की बात हो रही है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स क्या होता है कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन इसको डायरेक्ट पाई बाई फोर लिख सकते हैं, क्लियर। और यहां क्या हो जाएगा, साइन एक्स, समझ में आ रहा है। और इसको फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन माइनस टू है, माइनस टू को माइनस टू लिख देंगे, साइन पाई बाई फोर का क्या होता है, 1/√2 होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया भी है, और साइन एक्स, अब देखिए ये जो है वो √2 से कैंसिल हो जाएगा, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2 साइन एक्स जो कि RHS है हम लोगों का। क्लियरली आपको समझ में आ गया। तो सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इजी हैं,
इसे नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी हैं जिसके बारे में डील करेंगे। सारे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, आसान प्रॉब्लम है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो LHS क्या दिया हुआ है, देखिए LHS में इसको एक बार देख लीजिएगा, सेम साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को एक बार देख लेना है, ठीक है। अब फर्दर ऑपरेशन क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे ऑपरेशंस इजी है, मैं आपको बता रहा हूं, आप इजीली इसको टेक ओवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ इक्वेशन आपको नजर आ रहा होगा, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको हम लोग साइन 6x प्लस साइन 4x लिख सकते हैं, और इंटू में साइन 6x माइनस साइन 4x लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता था, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, मतलब 6x प्लस 4x अपॉन टू इंटू साइन सॉरी इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन टू हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, यानी कि 6x प्लस 4x अपॉन टू इंटू कॉस इंटू साइन हो जाएगा c माइनस डी अपॉन टू में, यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन टू हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, यहां पर मैंने साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, और यहां पर मैंने साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन टू साइन 6 प्लस 4 10x हो जाएगा, और 10x बाई टू यानी कि 5x, ठीक है, यानी कि 5x हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यहां पे cos क्या हो जाएगा, 2x बाई टू यानी कि x हो जाएगा, उसी तरह से यहां पर 2 लिखेंगे और cos 5x हो जाएगा इंटू साइन x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले का, 2 साइन a इंटू कॉस बी, अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन 2x होता है, साइन 2a होता है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2, अगर इसको a मानते हैं तो 2 इंटू 5x हो जाएगा, 2 इंटू 5x हो जाएगा, और इस तरह से मेरा प्रूफ हो जाता है साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम आसान है, इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। जो प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपको लगते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग आगे की फंक्शन की ओर जाएंगे, यानी कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो स्पेसिफिक वैल्यूज क्या क्या हैं, तो वो वैल्यूज हैं आपके जो अलग अलग तरह के जो फंक्शन होते हैं, रियल वैल्यूज निकालने होते हैं या फिर अलग अलग तरह के वैल्यूज निकालने होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन कितने होते हैं, ठीक है। तो उसमें साइन कोसाइन जो फॉर्मूलाज आएगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।